नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि शबनम ने ऐसा क्या कहा जेल में जिससे बरेली के जो जेलर है उसके आंख में आंसू आ गए। कौन सी ऐसी बात थी, क्या वो सवाल थे जिससे जेलर के आंखों में आंसू तक आ गई, आज मैं आपको जानने को मिलेगा ये वीडियो। दोस्तों बता दूँ आपको कि शबनम केस में बहुत सारे लोग ने ये कमेंट किया कि मतलब जो अपडेट होता है कि फांसी कब होगी, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फांसी कब होगी कब होगी कब होगी। मैं बता दूँ आपको कि हमारा भारत का संविधान इतना मजबूत नहीं है कि अगर कोई क्राइम करे और उसको एक महीने से डेढ़ महीने या दो साल से तीन साल के बीच में फांसी की सज़ा हो, ऐसा नामुमकिन है इस संविधान में। इसीलिए मैं हर एक वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो लोग बड़े पद पर बैठे हैं, जो लोग कानून के रखवाले हैं, जो लोग कानून जानते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो कह सकते हैं जो मेंबर हो, जो एमएलए हो, ये सारे लोग को मैं यही कहता हूँ कि आप लोग इस तरह से कानून लाएं, इस तरह से हमारे भारत के संविधान को इस तरह से मजबूत करें जिससे कि जो क्राइम करे उससे पहले वो 10 बार सोचे। तो हमारा कानून इतना लाचार है, कमज़ोर है कि क्राइम करने के बाद भी आदमी लोग छूट जाता है, सज़ा तो दूर की बात है, कितने साल लग जाते हैं। शबनम केस में ही देखिए, ये जो वाक़या था ये 2008 का था, 13 साल बीत गए हैं लेकिन फांसी की तो सज़ा हुई लेकिन अभी तक उसको मतलब कैसे फांसी पे लटकाया नहीं गया। तो ये एक बड़ी सबसे बड़ी चूक है हमारे कानून में जिसका फ़ायदा ना जाने कितने लोग उठाते हैं, ना जाने कितने हज़ार या लाख कह सकते हैं केस पेंडिंग है हमारे भारतवर्ष में। तो ये सबसे बड़ी एक कमज़ोरी होती है। तो मैं बार बार यही कहता रहता हूँ हर एक वीडियो में कि हमारा कानून जो है वो लाचार हो चुका है, इसे मजबूत करने की ज़रूरत है, इसे ऐसी बनाने की ज़रूरत है कि जो भी क्राइम करे उसको 2 से 3 महीने या 1 साल मैक्सिमम हो सके उसमें सज़ा हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो चूक है इसको बहुत जल्दी सुधारा जा सके, बस मेरा यही मकसद है। और मैं बता दूँ आपको इस केस में, शबनम केस में, शबनम ने बरेली में बरेली के जो जेलर हैं उससे बहुत कुछ बातें कही। उससे एक सवाल पूछा है कि क्या प्यार करना गुनाह है, ये बातें जेलर से पूछा गया। क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि शबनम एक ही चीज़ को मानती थी, वो है प्यार। अगर वो अगर